हाय फ्रेंड्स, टेक मोबाइल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे सैमसंग A30 का FRP बाईपास बहुत ही इजीली विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल डिवाइस। तो चलिए चेक कर लेते हैं पहले ये FRP लॉक लगा हुआ है कि नहीं। तो चलिए वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं फ़ोन को पहले और देखते हैं कि ये FRP लॉक लगा हुआ है कि नहीं। बहुत ही छोटा सा वीडियो है दोस्तों, बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन हमारा गूगल अकाउंट मांग रहा है, यानी कि FRP लॉक लगा हुआ है। स्किप का भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, कीपैड का जो सेटिंग्स है सेटिंग्स में जाना है। तो चलिए सेटिंग्स में टच कर लेते हैं। यहाँ पे हमें स्वाइप टच एंड फीडबैक में टच कर लेना है और यहाँ पर टच एंड फीडबैक में यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन में टच कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा रिंग टोन का ऑप्शन। तो चलिए यहाँ पर हम टच कर लेते हैं रिंग टोन में। तो यहाँ पे हम कोई भी सिम को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे प्लस पे टच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें डिनाई कर देना है, फिर से हम टच करेंगे, फिर से हम प्लस में टच करेंगे तो डू नॉट आस्क मी अगेन कर लेना है और फिर से हम टच करके प्लस में टच करेंगे। तो यहाँ पे हमें सेटिंग्स को ओपन कर लेना है और अब हमें यहाँ पे परमिशंस पे टच कर लेना है। तो चलिए परमिशंस को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हमें सर्च बार में टच कर लेना है और यहाँ पे हमें टाइप कर लेना है PIN। तो सर्च हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन में आप देख सकते हैं पिन विंडो आ चुका है। तो पिन विंडो में हम टच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पिन विंडो को ओपन कर लेना है और इसे भी ऑन कर लेना है और पिन पे टच कर लेना है और कोई भी 4 डिजिट का हम पिन सेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर दोबारा दे के हम कन्फर्म कर लेते हैं। तो पिन हमारा सेट हो चुका है। तो चलिए अब हम बैक करके फर्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं और फ़ोन को हम सेटअप करेंगे। अब तो यहाँ पे हम फ़ोन को एक बार लॉक करके अनलॉक कर लेते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पिन मांग रहा है। तो 1 2 3 4 जो हमने सेट की थी उसे देके अनलॉक कर लेना है। तो चलिए फ़ोन को सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें वही पिन डाल देना है जो हमने अभी अभी सेट किया है। तो आप देख सकते हैं प्रोसेस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्किप का ऑप्शन आ चुका है, यानी कि हमारा FRP हट चुका है। तो चलिए स्किप करके आगे का देख लेते हैं। तो फ़ोन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं फ़ोन हमारा कंप्लीट ऑन हो चुका है। तो अब हमें सिंपली सेटिंग्स में जाके पिन विंडो को जाके ऑफ कर लेना है। तो हमारा फ़ोन कंप्लीट। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो के साथ। बाय।